Hi, Bonnie. No problem. How are you? I'm good. देखा थोड़ा सा ब्रेक आया अपनी पीआर चालू फिल्म मांगेंगे अभी 50 years. 50 years. The last ये तो न्यू ईयर पार्टी यू रिमेंबर व्हेन सतीश और यू हैड कम टू दो फिल्में लेके छोड़ेंगे सतीश कसम भी दिला तुम्हें कसम लगे माता रानी की अगर दो फिल्में मुझे देख के नहीं जोरदार तालियां हो जाए और जानवी के लिए जानवी जैसे आप इस फिल्म में आप कोल्ड स्टोरेज में फंस जाती हैं रियल लाइफ में कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंसी हैं कि आप घबरा गई हो कभी जी जब भी फिल्म प्रमोट करना पड़ता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं फंस गई हूँ आज तो नहीं लग रहा नहीं आज नहीं लग रहा है लेकिन प्रमोशंस मेरा आई एम नॉट गुड एट इट प्रमोशन एक्चुअली और आपको सब ये ऐसे ही सवाल पूछते ना फिर कैसा लगा इनके साथ काम अलग करते? अलग तो सवाल नहीं मेरे लिए तो अजीब और गरीब सवाल आते हैं सुनने में आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है क्या आप अपने त्वचा पे भी आइसक्रीम लगाती हैं ये करते हैं ये कैसा सवाल Nonsense. है अजीब चीजें पूछते उल्टे जवाब दे दिया करो को हाँ मैं सुबह वनीला लगाती हूँ इधर ऐसे जवाब दे दिया करो फिर एक आदमी ने एक कुछ पूछा था कि अगर आप एक्टर नहीं होती तो आप क्या कर रहे होते मैंने कहा कि मेरी शादी हो गई होती और मैं शायद फैशन में कुछ कर रही होती ओ तो आपके पिताजी आपको शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं और अगले दिन ये कुछ हेडलाइन होना मैं बहुत डरती हूँ ये इंटरव्यू से बातों में से बातें निकालते हैं लोग ना आजकल है भी और जो अजीब अजीब सवाल पूछे ना एक बैलून का पैकेट ले जाया करो दो तीन सवालों का जवाब दिए उसके बाद बैलून फुलाने शुरू कर दो तू भी तो सवाल पूछ रहा है यहाँ पर अगर मैंने कोई ऐसा सवाल पूछा आज के सवाल बहुत मजेदार थे वैसे जो भी हमारे शो पर आता है वो ये कहता है कि ये शो का जो प्रमोशन होता है वो सारे प्रमोशन से बहुत अलग और बहुत मजेदार होता है धन्यवाद बिकॉज़ दैट्स बिकॉज़ द क्वेश्चंस आर स्पॉन्टेनियस एंड द आंसर्स ऑटोमेटिकली आर स्पॉन्टेनियस नोबडी कम्स अप विद बल्कि अब मैं जब अंदर कमरे में गए कोई स्क्रिप्ट तो नहीं है ना हाँ. नहीं नहीं सर वो कपिल साहब आएंगे बात करेंगे और आप अपने आप जवाब देंगे हाँ. जितने नेचुरली देंगे उतना मजा आएगा ठीक है भाई इतना सयाना कोई आदमी है हमारी टीम में कौन था वो सर जैसे ये अपने पापा को डांट रही है फिल्म में कि मुक्का मारूंगी मैं पीठ पे नहीं पर ऐसा होता था मेरे साथ जब सीरीज से मेरी रिश्ता शुरू हुआ तो एक दिन हम न्यूयॉर्क में थे 95 की बात है अच्छा जी वन डे शी टोल्ड मी यू विल डू एनीथिंग फॉर मी यू से यू लव मी एंड यू डू एनीथिंग फॉर मी आई सेड या स्टॉप स्मोकिंग तो उस वक्त मैं हीरो बन के सिगरेट का पैकेट फेंक दिया लाइटर था अच्छा एंड अ गोल्ड कार्तियल राइटर विद अ वॉच इनसाइड आई फ्लंग द लाइटर अरे यार बहुत फिल्मी एंड उसके बाद फ्लंग द लाइटर उसके बाद जब होटल पहुंचे जो भी सिगरेट का कार्टन मेरे रूम में था मैं श्री के कमरे में गया और फेंक दिया एंड आई डिडंट स्मोक फॉर 12 इयर्स अच्छा वाह देन इट वाज इन 2006 नो एंट्री के टाइम नो एंट्री के बाद यू नो आई वेंट थ्रू अ फाइनेंशियल लो आई हैड अ मेजर फाइनेंशियल स्ट्रेस And I was in London, you know, meeting people. And so there, while I was there, my driver used to smoke the same brand of cigarette what I used to smoke. Achha. Initially, it started कि भैया तू सिगरेट दे मैं तेरे को लाइट करके देता हूँ. अच्छा. तो लाइट करके तो उसके बाद ये हो यार एक पफ ले लेता हूँ. हाँ. फिर दो पफ, फिर वहाँ से सिगरेट दोबारा शुरू होगी. ऐसे ही शुरू होती है वापस. तो शुरू हो गई तो उसके बाद अब 2016 में कुछ ऐसी बात हुई थी हम साथ में ट्रैवल कर रहे थे. We were coming from a doctor's place and डॉक्टर कंप्लेन टू हर के ही नीड्स टू गिव अप स्मोकिंग तो शी से नाउ यू डोंट लव मी एनी मोर अच्छा बिकॉज यू स्मोक अच्छा इस बीच में क्या होता है कई बार बच्चों ने श्री ने मेरी सिगरेट छुड़ाने की कोशिश की अच्छा बच्चों को तो ऐसे ट्रेन किया था ये मेरे कमरे में आती थी मेरा नीचे जो सिटिंग रूम था तो वहाँ पे सिगरेट के अंदर टूथपेस्ट डाल देती थी सिगरेट को कैंची तक काट देती थी अच्छा अलग फ्लश कर देती थी मतलब अलग अलग चीजें मतलब हर चीज आजमा लेते थे पर मैंने भी जब देखा इन लोग ऐसा करते एक पैकेट में कहीं सेफ्टी के लिए छुपा के रखा पर सिगरेट छूटी नहीं थी पर 2017 में वन ईयर बिफोर शी पास्ड अवे आई डिड द सेम थिंग आई मीन इट वॉज नॉट एज ड्रामेटिक एज देन बट देन आई वेंट होम आई हैड अ कपल ऑफ कार्टन्स I gave it to Pankaj R. This thing, he used to smoke the same brand. And I told him, I won't smoke. Until today, I have not smoked. Wow. In fact, when she passed away, while I was in Dubai for those 3-4 days, I had so much of urge because I was all alone, in distress, in stress, anxiety, all those things. That was the only time I felt like smoking. But then I said, the minute she's gone, I want to smoke. If I truly love her, I will not. So I didn't then, and I have not touched
I have never had the urge also to smoke. So sweet. Love you, sir. क्या बात है? जब आपने ये रैप किया, रैप अराउंड किया अपने आप को, तो मुझे लगा, मैं ऐसे सोच रहा था जब ट्रेलर देखा, मुझे लगा जाह्नवी को सफोकेशन नहीं हुई. अच्छा, ये कितनी अच्छा. हम सबको लगता है कि फिल्मों में तो हम लोग स्पेशल इफेक्ट से करते हैं ये सब कुछ, पर ये बड़ा अच्छा लगा जान के कि आपने इतनी मेहनत की इस किरदार के लिए, और वो दिखाई भी दे रहा है, बहुत अच्छी लग रही हैं आप. वाह. वो जब उन्होंने मुझे वो क्लीन, वो जो भी प्लास्टिक में रैप किया था, उसे लगाने में 2 घंटे जाते थे. और क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो पूरे दिन मैं बाथरूम नहीं जा पाती थी, और ठंड में और भी ऐसे पानी नहीं पी सकती थी. तो वो 3-4 दिन शूट का वो सेगमेंट में वो बहुत ही ज्यादा. तो जाह्नवी कपूर की तो शाम को कुल्फी बन जाती होगी है बाहर निकल के. हालत बहुत खराब है. इसलिए इवन आउटसाइड द फ्रीजर हमने जो सेट था, सेट पे भी कुछ एडिशनल एयर कंडीशन लगाए थे. अच्छा जी. ताकि जो लोग अंदर बाहर भी हो रहे हैं तो उनको ज्यादा डिफरेंस ऑफ टेंपरेचर ना हो. हालांकि मतलब अगर जैसे फ्रीजर में 12 डिग्री या 15 डिग्री होता था, बाहर हम कोशिश करते थे -15 मतलब 8-9 हो या ऐसे हो. क्या बात. जबकि मतलब सबकी बाहर वालों की भी कुल्फी जम जाती थी, तो सोचो अंदर. अच्छा, जब डायरेक्टर हमारा बीमार हुआ तो डॉक्टर ने कहा आपको अंदर जाने की क्या जरूरत है, आप बाहर बैठ के मॉनिटर दूसरे. मैंने कहा भी, मैं गया सेट पे कि भाई मॉनिटर दूसरे कमरे में, आप उधर बैठ के देखो. नो सर, इफ माय एक्टर इज देयर, माय आर्टिस्ट इज देयर, आई शुड आल्सो फील दैट. स्वीट. बहुत क्यूट है. तो मंकी कैप पहन के, स्वेटर पहन के, जैकेट पहन के था, और ये अपनी यूनिफॉर्म में थी. जाह्नवी, एक बात बताइए, आपके घर में सब स्टार है ना, आपके पापा इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, आपके मन में कब आया कि मुझे भी एक्टर बनना है? बचपन से, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसे लगने लगा कि, क्योंकि सब मुझे मिलके बोलते थे कि अरे आप तो एक्टर ही बनोगी, एक्टिंग कब शुरू करोगी, तो मैं बहुत चिढ़ जाती थी कि, क्योंकि ऐसे लगने लगा कि ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि मेरे फ्यूचर में क्या हो रहा है. तो मैंने बोला नहीं, मुझे एक्टर नहीं बनना, मैं तो डॉक्टर बनूंगी, मैं तो आर्कियोलॉजिस्ट बनूंगी, जो मतलब जो कभी हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी और दिल में सोच भी नहीं थी. हाँ, सोच भी, इच्छा भी नहीं थी. लेकिन फिर एक दिन आई थिंक स्कूल ख़त्म होने के बाद धीरे से मैं पापा और मम्मा के पास गई और उनसे कहा कि मुझे लगता है कि बस ट्राई करने के लिए, क्योंकि सब लोग इतना बोलते हैं, एक्टिंग कोर्स कर लूँ. और फिर मम्मा ने कहा देखा, घूम फिर के यही आ गए. आज मैंने बोनी सर को पहली बार ऐसे बात करते हुए देखा. मैं जब फिल्म कर रहा था इनके साथ, तो मैं हमेशा इनको ऐसे ही देखा था, क्योंकि ये आते थे सेट पे और तलवार साहब अपने वो अकाउंट डिपार्टमेंट से, और ये चश्मा नीचे करके, ये किसका है. अच्छा, तो ये इनका मैंने यही प्रोफाइल देखा है हमेशा. आज पहली बार बोनी सर को ऐसे करके देख रहा हूँ. पर फिल्म के हिट होने के लिए कितने सारे फैक्टर्स का सही पड़ना बहुत जरूरी होता है. बट ऑनेस्टी इज द फंडामेंटल फैक्टर. या एब्सोल्युटली, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, एंड You've got to be passionate about your work. आप ऑफिस में बैठ के खाली नंबर गिनोगे और आप प्रोजेक्ट चालू कर दोगे तो उससे कुछ नहीं होता. क्या होता है, जब पिक्चर का सुर गलत, शुरू में ही गलत लग जाता है ना, तो आप कितनी भी रीशूटिंग कर लो, पिक्चर सही नहीं होती. नहीं संभलती. बहुत कम पिक्चर होती है, जैसे त्रिशूल की उन्होंने सुना कुछ 10-12 दिन की रीशूटिंग की और पिक्चर और बेहतर हो गई. अच्छा. अर्जुन की भी उन्होंने कुछ शूटिंग की तो और पिक्चर बेहतर हो गई. बट कई बार डकैत की रीशूटिंग की थी फिर भी बेहतर नहीं हुई. हमने कोई मेरे दिल से पूछी रीशूटिंग की, 65 डेज की रीशूटिंग, तब भी बेहतर नहीं हुई. गाने दोबारा मैंने शूट किए. वांटेड में मैंने गाना दोबारा शूट किया, इट वर्कड आउट. वांटेड में मैंने रीशूट किया प्रकाश राज का इंट्रो, इट वर्कड आउट. तो इसका फिक्स फॉर्मूला नहीं है, यू जस्ट गॉट टू यूज योर इंस्टिंक्ट विद ऑल ऑनेस्टी. तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल वर्क, समटाइम्स इट मे नॉट वर्क. सो दैट्स इट इज, दैट्स व्हाट आई फील द फंडामेंटल फॉर अ फिल्म प्रोड्यूसर टू हैव इन माइंड, फिल्म मेकर टू हैव इन माइंड, वेदर इट्स अ प्रोड्यूसर और अ डायरेक्टर. बोनी सर इतना दिल से करते हैं ये चीज़ें, इतना दिल से, इतना पैशन से करते हैं, इसीलिए इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सब दिल से जुड़े हैं. अभी एक अवार्ड फंक्शन में सलमान खान साहब इमोशनल हो गए कि जब बोले कि जब मेरा थोड़ा बुरा समय चल रहा था, तो उस समय शायद वांटेड आपने लेके उनको बनाई, वो सुपर डुपर हिट हुई. सो यही है सर, मोहब्बत कमाई है आपने. क्या बात है. पैसा भी बहुत कमाया और मोहब्बत भी बहुत कमाई है. पर एट द सेम टाइम मेरा भी बुरा वक्त चल रहा था, सलमान ने भी मतलब कोऑपरेट किया और पिक्चर जो बनी है एक मेरे बनाने से नहीं बनी है, सलमान का इक्वल कंट्रीब्यूशन था, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन था. ये उसका बड़प्पन है कि उसने मुझे क्रेडिट दिया इस बात का, बट मैं समझता हूँ उसका भी उतना ही योगदान था उस पिक्चर के चलने में. क्या बात. मतलब ही शॉट फॉर दैट फिल्म फॉर अबाउट ऑलमोस्ट अबाउट 168 डेज फॉर दैट पिक्चर.
168 डेज वी शॉट जो पहला गाना था इंट्रोडक्शन सॉन्ग ऑफ सलमान वी शॉट फॉर अबाउट 12 और 14 डेज. ये सब चीजें मतलब यू सी इट्स ऑल पार्ट ऑफ यू नो यू इम्प्रोवाइज यू फील दिस इज व्हाट द फिल्म लैक्स एंड इफ यू ऐड दिस इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. क्या बात है सर, आपकी बातें सुन के ना आज जो नए इंडस्ट्री में डायरेक्टर बनना चाहते हैं या प्रोडक्शन में आना चाहते हैं आपने बहुत सारी लर्निंग दे दी है, बाकी उनके ऊपर अगर सीखने वाले हुए तो सीख जाएंगे. बड़ी मजेदार बातें कही हैं सर, क्या बात है, वाह.